गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लॉस्ट स्विच चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर आज कंप्लीट नहीं होगा, कल कंप्लीट होगा। तो आज के देखिए पेज नंबर 22 है, हम थर्ड पैराग्राफ ऑफ द लास्ट से स्टार्ट करते हैं। आई सम टाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रूपी नोट, साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। साहब ने लेखिका से कहा कि कचरे के ढेर में एक रुपये कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्काउंजिंग। अगर आपको कचरे के ढेर में एक रुपया मिल जाता है तो आप खोजबीन करना बंद नहीं करते। क्यों? फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि उम्मीद बढ़ जाती है कि जो और कुछ मिलेगा और मिलेगा। इट सीम्स डेड फॉर चिल्ड्रन, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। लेखक कह रही है कि कचरे का अर्थ बड़ों के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन कवर्ड इन अ वंडर। बच्चों के लिए कचरे का मतलब है एक आश्चर्यजनक वस्तु, तो किसमें लपेटी हुई है? आश्चर्य में। क्योंकि बच्चों की सरप्राइज रहता है कि रोजाना आज कचरे के ढेर में क्या मिलेगा, मान लो कल 2 रुपये मिलेगा, आज क्या मिलेगा, कल क्या मिलेगा। पर बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, ये जिंदा रहने का एक जरिया है। अ वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट। फेंस यानी बाड़ होती है किसी चीज़ की, जो तारों से या कांटों से बाड़ लगा देते हैं। ओवर नियर नेबरहुड क्लब, लेखिए कह रही है कि मेरे घर के पास एक क्लब था, साहब उस क्लब के बाहर खड़ा था जहाँ बाड़ लगी थी तार के कांटे की। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस इन व्हाइट टेनिस, और साहब दो लड़कों को, दो आदमी को देख रहा था जिन्होंने व्हाइट कपड़े पहन रखे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, साहब इन अ सिंगिंग मैनर गुनगुनाते हुए कहता है कि मुझे भी खेल पसंद है। कंटेंट यानी संतुष्ट, टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, साहब के आलम उस गेम को बाहर से देख कर ही खुश है। आई गो इनसाइड एंड नो वन इज अराउंड, साहब कह रहा है मैं अंदर तभी जाता हूँ जब आस पास कोई नहीं होता। ही एडमिट्स द गेम कीपर लेट्स मी यूज द सिंग, सिंग मैंने झूला जिसके अंदर एक ही सीट होती है ना, सिंगल सीटेड। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब ने भी टेनिस के शूज पहन रखे। देट लुक स्ट्रेंज ओवर डिसकलर शर्ट, जो उसकी डिसकलर्ड बेरंगीन और रंगहीन शर्ट के ऊपर अजीब से दिखाई देते हैं। एंड शॉर्ट्स और शॉर्ट्स यानी नेकर के बीच। समवन गेव टू देम, साहब ने लेखिका से पूछ कहा कि ये जूते मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो समझाने के तरीके से कहता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, सच्चाई ये है कि ये शूज डिस्कार्डेड है, त्यागे गए हैं, छोड़े गए शूज हैं किसके, रिच बॉय के, हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम। आपको पता है साहब ने भी शूज पहन रखे, टेनिस के शूज, एक अमीर लड़के के थे। अमीर लड़के ने उन शूज को फेंक दिया, क्यों फेंक दिया, या साहब को दे दिए क्योंकि उनमें से एक शूज में एक होल हो गया, छेद हो गया। पर साहब को वो जूते मिल गए, डज नॉट बॉदर बॉदर इन डिस्टर्ब और ट्रबल, पर साहब को वो छेद परेशान नहीं कर रहा है। उसका साहब के लिए क्या है, फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयर फुट, और साहब जैसे लड़के के लिए जो पूरी जिंदगी नंगे पैर रहा है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। उसको जूते मिल जाना चाहे उसमें छेद ही क्यों नहीं हो, इसका मतलब है सपना सच हो गया। बट द गेम इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, इंटेंटली जिज्ञासा से, ध्यान से। लेकिन साहब जिस गेम को देख रहा है वो उसकी पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। दिस मॉर्निंग आई साहब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ, लेखिका कह रही कि साहब को मैंने देखा आज सुबह मिल्क बूथ, एक मिल्क की दुकान थी, वहाँ जा रहा था। इन हिज हैंड ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था, चाय का बर्तन था। और साहब ने लेखिका से कहा कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, कि मैम मैंने कचरे बीनने का काम छोड़ दिया है, अब मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई बिल्स, मुझे 800 रुपया मिलता है और मुझे खाना मिलता है। लेखिका ने पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे ये काम पसंद है। आई आस्क हिज फेस, आई सी हिज लॉस द केयरफुल, लेखिका ने पूछा कि क्या तुम्हें काम पसंद है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। द कलर ऑफ हिज फेस वॉज फेडेड, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। लेखिका कह रही है जिस प्लास्टिक के बैग को साहब आलम अपने कंधे पर उठा के ले जाता था, जो भारी था पर वो उसे हल्का लगता था, और जो चाय का बर्तन है जो हल्का है वो साहब आलम को भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का बैग साहब आलम का ही था, इसलिए भारी होने के बावजूद भी हल्का लगता था। और चाय का जो कनिस्तर है, कैटली कह सकते हैं, वो साहब की नहीं है, उस दुकान के मालिक की है, इसका मतलब साहब को भारी लग रहा है। क्यों? द बैग वॉज इज द कनिस्टर सीम्स बिलोंग्स टू मैन, कैनिस्टर उस आदमी से बिलोंग करता है हु ओन्स द टी शॉप, हु इज द ओनर, जो चाय की दुकान का मालिक है। ये कहानी बताती है कि साहब अपना खुद का मास्टर, खुद का मालिक नहीं रहा। बेटा साहब ने अपने प्लास्टिक का कट्टा उठाकर कचरे से भरकर कंधे पे ले जाता था, तो वो भारी सा बैग उसे हल्का लगता था क्योंकि वो उसके खुद का था। पर आज चाय का कैनिस्टर, तो चाय की केटली छोटी सी है, बहुत हल्की है,
पर उससे भारी लग रही है क्योंकि वो साहिब की नहीं है, दुकान के मालिक की है। ये कहानी बताती है कि साहिब अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ठीक है, साहिब की कहानी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होगी मुकेश की। साहिब सिवापुरी से बिलोंग करता है, मुकेश फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। स्टार्ट कर रहे हैं। आई वॉन्ट ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बींग इज ऑन मास्टर। मुकेश नाम का लड़का है जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, और फिरोजाबाद की पूरी फैमिली बैंगल मेकर्स है, चूड़ियाँ बनाती है। पर मुकेश कह रहा है कि मुझे बैंगल मेकर नहीं बनना, मुझे कार ड्राइवर बनना है, मैकेनिक बनना है। आई विल बी मॉडर्न मैकेनिक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? लड़का ने पूछा कि बेटा तुम कार्स के बारे में तो जानते भी हो क्या? मुकेश ने कहा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज। मुकेश ने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैडम मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम लूम्स एनी अपीयर। लेकिन कह रही है उसका सपना कैसा प्रतीत होता है? लाइक अ मिराज। मिराज यानी इल्यूजन, भ्रम, मृग दृष्ट। लेकिन कह रही है कि मुकेश का सपना जो कार मैकेनिक बनने का है वो एक सपने के समान है, यानी मिथ्या है, एक भ्रम है, एक धोखा है, एक इल्यूजन है, मृग दृष्ट है। Amid the dust of streets that fill this town, Firozabad, famous for its bangles, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working hard furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. लेकिन कह रही है कि मुकेश कहाँ से बिलोंग करता है? फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। फिरोजाबाद में रहने वाला हर इंसान चूड़ियाँ बनाता है, और मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। वो उनका एक खानदानी धंधा है, ट्रेडिशनल धंधा है। पर मुकेश बेकर मेकर नहीं बनकर क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन कह रही है उसको मोटर मैकेनिक बनने का सपना है मिराज है, एक इल्यूजन है, एक धोखा है, एक वहम है, भ्रम है। अब बता दो मुकेश की फैमिली के बारे में सुनना। मुकेश फैमिली अमंग देम। मुकेश का परिवार भी चूड़ी बनाने वाले परिवार के लोगों में से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज इलीगल, कि ये गैर कानूनी है फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर। फर्नेस यानी भट्टियाँ, जो गर्म भट्टे होते हैं ना, भट्टियाँ उन्हें बोलते हैं फर्नेस। लेकिन कह रही है कि इस गर्म भट्टी में काम करना इलीगल है, गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है। इन डिंजी सेल्स यानी स्मॉल रूम्स, छोटे कमरों में डार्क जहाँ अंधेरा होता है, डेंजी सेंस विदाउट एन एयर एंड लाइट, जहाँ न तो हवा आती है ना रोशनी आती है। दे लॉ इन्फोर्स, अगर कानून सख्ती से लागू कर दिया जाए, कुड गेट इन ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर फर्नेस वेयर दे स्लॉग स्लॉग यानी टॉयल हार्ड, परिश्रम करना, दे डे लाइट आवर्स। देखिए कह रही है अगर गवर्नमेंट सख्ती से कानून लागू कर दे और अगर ऐसी उद्योग धंधों पर रेड मारी जाए, तो कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे हैं जो मुकेश जैसे हैं वो वहाँ से बाहर निकाले जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हुए देखे जा सकते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर इन बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि जो चूड़ियाँ होती हैं उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके टुकड़े होते हैं ना, वो आंखों में चले जाते हैं बिकॉज डस्ट उसकी धूल मिट्टी से। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें ब्राइट बीम यानी चमक जाती हैं। ऐसी वॉलंटियर्स टेक मी होम। एक दिन मुकेश ऑथर से, बेटा ये कहानी अलग अलग जगह से ली गई है। फर्स्ट स्टोरी साहिब आलम की जो सिमापुरी से बिलोंग करता है, सेकंड चली जाती फिरोजाबाद में मुकेश से। मुकेश लेखिका से कहता है कि आप हमारे घर चलिए, विच ही प्राउडली सेज इज न्यू बीइंग रीबिल्ड। मुकेश कहता है कि हमारा घर फिर से बनाया जा रहा है। वी वॉक डाउन, लेखी कह रही है अब मुकेश के घर का सीन बताया जा रहा है कि कैसा सीन था। लेखी कह रही है हम चलते गए स्ट्रिकिंग लेंस बदबूदार गलियों में से, चौक में गार्बेज, जो किससे चौक थी बंद थी कचरे से, पास होम्स ऐसे घरों के पास से गुजरे दे ड्रीमिंग हॉवल्स, जो कैसे थे शेबी, मतलब बिल्कुल डगमगाते से है ना। फिर क्रम्बलिंग वॉल्स से, ब्रोकन वॉल्स, जो टूटी हुई दीवारें जिनकी थी है ना। नेक्स्ट वॉबली डोर्स, डगमगाते दरवाजे, शेकी डोर्स, नो विंडोज, जहाँ पर कोई खिड़कियाँ नहीं है, क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जहाँ पर इंसान के साथ साथ जानवर भी रहते हैं, को एग्जिस्टेंस है अस्तित्व, मतलब इंसानों के साथ जानवर भी रहते हैं। इन अ प्रीमियर स्टेट, यानी पुराने समय से, आदिम काल से। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे घर के सामने मुकेश रुकता है, एंड बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर, और जोर से बजाता है स्ट्राइक्स एक लोहे की डगमगा देगी डोर को, दरवाजे को अपने पैरों से, एंड पुश इट ओपन, और धक्का देकर उसे खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेप इज लाइक वी कांट से अ प्रॉपर होम, एक आधा अधूरा घर होता है ना, हाफ बिल्ट रूम हाउस, एक आधे अधूरे घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट उसके एक
उस घर के कोने में क्या है, थेज विद रेड ग्रास, थेज यानी रूफ, सूखी घास की छत बनी हुई है, इज अ फायरवुड स्टोव और एक पास में चूल्हा रखा है, जिस पर सिर से लार्ज वेसल, बड़ा सा बर्तन है और उस बर्तन में सिजलिंग क्या उबल रही है, स्पिनेच लीव्स, पालक की पत्तियाँ। ऑन द ग्राउंड और जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जहाँ पर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, चॉप्ड यानी कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई है। अ फ्रेल, फ्रेल यानी वीक, एक दुबली पतली जो यंग वूमन है, इज कुकिंग फूड फॉर द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक पतली सी दुबली पतली महिला शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, शी इज अ वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, एक्चुअली वो औरत जो है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन इयर्स, हालांकि उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है। आगे लिखा है शी बिगेन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, उसे लोग सम्मान से बहू के नाम से बुलाते हैं। डॉटर इन लॉ ऑफ हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ थ्री मैन, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। वेन द ओल्डर मैन एंटर, और घर का जो बड़ा आदमी आता है, शी जेंटली विड्रॉज, वो किसके पीछे विड्रॉ हो जाती है, मूव बैक ब्रोकन वॉल, टूटी दीवार के पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, वेल यानी अ पार्ट ऑफ सारी कपड़े का एक टुकड़ा होता है जो अपने सर को ढक लेती है, मतलब वेल यानी घूंघट निकाल लेती है। एक परंपरा है हमारे एक समाज में कि जब भी बड़े बुजुर्ग घर के आते हैं तो बहुएं अपने सर को घूंघट से ढक लेती है, वेल यानी घूंघट। इन दिस केस द एल्डर, जो घर का बड़ा आदमी है, वो इम्पोवेरिस्ड है, एक बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट एनी के बावजूद, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, कई सालों तक परिश्रम करने के बावजूद, फर्स्ट एज ए टेलर, मुकेश के फादर ने अपना रोजगार एक पहले टेलर के रूप में शुरू किया, देन ए बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को बनाने में, फिर से उसको पुनः बनाने में असफल रहा। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल्स, नहीं अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज मैनेज टू टीच देम व्हाट ही नोज, मुकेश के फादर ने अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाई जो वो जानता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला, लास्ट ग्राफ पढ़ लेते हैं। इट इज इज करम इज डेस्टिनी, भाग्य किस्मत, सेड मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है यही हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है। हु इज वॉज हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, मैंने बताया था जो कांच की चूड़ियाँ होती टुकड़े होते हैं वो आंखों में चले जाते हैं और आंखों की रोशनी चली जाती है। केन ए गॉड गिवन लिनेज, लिनेज का मतलब होता है एंसेस्ट्री, क्या भगवान की दी हुई जो विरासत है वो बदली जा सकती है, नहीं। शी इम्प्लाइज शी मीन्स, वो कहना चाहती है कि हमारी किस्मत जो लिखा गया वो तो होगा हमारे साथ। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम लोगों का जन्म बैंगल मेकर्स की कास्ट में हुआ है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस इन द यार्ड, हर घर के हर आंगन में, एवरी अदर हाउस हर घर में, एवरी अदर यार्ड हर आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में। बोर्न आउट ऑफ सेवन स्पाइरल्स यानी कॉइंस ऑफ बैंगल्स, यानी कि कुंडली नुमा चूड़ियाँ मिलेंगी आपको, कैसे कलर की, सनी गोल्ड, सुनहरे सोने रंग जैसे रंग की, पेडी ग्रीन, धान घास के समान हरे रंग की, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, हर वह रंग जो रेनबो यानी इंद्रधनुष के रंगों में दिखाई देता है। लाइस, और वो घर में पड़ी रहती है, माउंट्स यानी ढेर के रूप में, हीप के रूप में, अनकेम्ड एंड डिसऑर्डरली, इधर उधर बिखरी हुई। आर पाइड ऑन फोर व्हील हैंड कार्ट्स, और उन्हें चार पहियों वाली हाथ से चलने वाली गाड़ी में डाला जाता है। पुश्ड बाय द यंग मैन, और उन्हें यंग मैन जो है उन्हें घसीटते हैं। अलोंग द लेंस ऑफ शेंटी टाउन, शेंटी यानी हम कह सकते हैं हटमेंट्स, सेटलमेंट्स, शेंटी यानी बहुत ही बदबूदार या गंदे या अजीब से बेढंगे कस्बे से भी होते उसे ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, सेटलमेंट्स ऑफ हट्स, और अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जहाँ पर ऑयल लैंप्स की जो लपट है वो झिलमिलाती है, सिट बॉयज एंड गर्ल्स, और अंधेरे में लड़के लड़कियाँ उनके फादर मदर एक साथ बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर ग्लास इन टू सर्किलो बैंगल्स, और कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़ के गोल चूड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि चूड़ियाँ नहीं बनेगी अंधेरे में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउट, लेकिन कह रहे हैं उनकी आँखें बाहर उजाले की बजाय अंधेरे में ज़्यादा अच्छी तरह से देखने को आदि हो चुकी हैं। This is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और इसलिए युवा होने से पहले बड़े होने से पहले अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। Students, इसका next part हम शुरू करेंगे कल। Till then, thank you.